आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी नीतियां रही हैं वो युवाओं के पक्ष में रही हैं। आज डंका के चोट पर काम हो रहा है और उसका काम का प्राथमिकता सबको मिल रहा है। विपक्ष पहले एकजुट तो हो जाए अपने, विपक्ष का कोई एक एजेंडा नहीं है, बस मोदी को हराना है, मोदी को गिराना है। तो हमारी मौजूदा सरकार और जिस गठबंधन में हमारी सरकार है उसमें ये है कि हमारी सरकार ही आनी चाहिए। ये गौरव होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे होना चाहिए। ऐसा अंकुश लगाया है, ऐसा कसा है कि आज सब लोग खुश हैं, चाहे गरीबों की बात कर लें आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 के चुनावों की बात की जाए तो तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से जो है हर जनता जो है अपना मत रखेगी। हर अगर बात की जाए तो 60 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो जनता जनार्दन से जानना जरूरी हो जाता है कि किसके काम बेहतर लगे और किसके कामों में खामियां दिखी। इसी को चलते आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ज़रूरत है बदलाव की। चूँकि आप एक युवा हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ लग रहा है कि किसको आना चाहिए इस बार सत्ता संभालने के लिए? सत्ता संभालने के लिए मेरे अनुसार और जिनकी हम विचारधारा पे चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के अनुसार, उसको आना चाहिए जो युवाओं की बात करे, देश की प्रगति की बात करे, देश में किसी भी तरह के बंटवारे को लेकर के बात ना करे और सबको साथ लेकर के काम करे। और जैसा कि मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी नीतियाँ रही हैं वो युवाओं के पक्ष में रही हैं। अभी जैसे महिला आरक्षण बिल पास हुआ महिलाओं को लेकर के रही हैं। तो हमारी मौजूदा सरकार और जिस गठबंधन में हमारी सरकार है उसमें यह है कि हमारी सरकार ही आनी चाहिए। देखिए, विपक्ष की बात की जाए तो महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर वो हमेशा चाबुक चलाता है और कहता है कि वो लगातार बढ़ती आई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अच्छा, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, जरूरी है कि हर किसी को सरकारी नौकरी दी जाए? दे आर प्राइवेट ऑप्शन ऑल्सो, पहली चीज। दूसरी बात, आप अगर आज़ादी के समय देखेंगे उस समय एक रुपए में क्या कुछ आ जाता था। आज के ये वक्त के साथ ये नेचुरल है कि इन्फ्लेशन होती है। हम अगर आज से 500 साल पुराने की मैं अब उसको कंपेयर करने लगे। दूसरी बात, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष एकजुट हो नहीं पा रहे। बंगाल में ममता दीदी अलग हो गई, पंजाब में भगवंत मान अलग हो गए, दिल्ली में केजरीवाल अलग हो गए। विपक्ष पहले एकजुट तो हो जाए अपने, विपक्ष का कोई एक एजेंडा नहीं है, बस मोदी को हराना है, मोदी को गिराना है। मोदी के जितने गठबंधन के साथी हैं जिसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, उनको हटाना है, गिराना है। मतलब इस तरीके की राजनीति कब तक है? जनता आज के ज़माने में पढ़ी लिखी है और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आप लोगों की पत्रकारिता के माध्यम से, वो इतना समझदार हो चुके हैं कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, दिख रहा है। ठीक है, विकास की बात करें तो विकास कितना देख पा रहे हैं बीते 10 सालों में? विकास के फॉरन एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश में 2014 तक 74 एयरपोर्ट्स थे, नाउ देर आर 150 प्लस। ठीक है, सिर्फ ये अगले 10 सालों में इतना विकास हुआ। उसके बाद माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय को आप देखिए, आई थिंक मुझे इस चीज़ के एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद विश्व पटल पे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत की छवि बनी है, मैं कोई एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, हर कोई आजकल पढ़ा लिखा है, सबको न्यूज़ मिलती है, लेकिन जो छवि बनी है कि आज हमें लोग सीरियस लेने लगे हैं, एटलीस्ट लोग हमें सुनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई हमें सुनेगा नहीं तो जानेगा कैसे। तो ये विकास है हमारा। हम आज नोएडा की बात करते हैं, हम दिल्ली रह रहे हैं, नोएडा आना जाना लगा रहता है। आज से 10 साल पहले योगी जी के आने के पहले, भाजपा सरकार आने के पहले नोएडा जाने की किसी की हिम्मत होती थी? रात को दिन दहाड़े वहाँ पे लूट मार होती थी, मर्डर होते थे। आज नोएडा बहुत सेफ है, मैं रात को 2-2 बजे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ है। दूसरी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज़ है। विकास, विकास धीरे धीरे आएगा, विकास एक दिन से नहीं आता और विकास हमारे और आप जैसे लोगों में आएगा। सरकार ने सड़क बना दी, आम आदमी यहाँ थूक करके जा रहा है, ये पहले हमें सीखना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी हम सरकार के माथे टिकरा नहीं फोड़ सकते, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है देश में लॉ एंड ऑर्डर होना, चाहे धारा 370 का हटाया जाना हो, उसमें चेंजेस हो, चाहे बाकी राज्यों की चीज़ें देखी जाए, तो सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतर कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज तक नहीं हुआ था। आप देख लें, आज 70 साल से हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग कहाँ हैं, आज कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। ये गौरव होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे होना चाहिए, जो कि देश के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है, चाहे वो महिला का मैटर हो, चाहे युवा का मैटर हो, चाहे स्वास्थ्य का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, सब पर उन्होंने ऐसा अंकुश लगाया है, ऐसा कसा है कि आज सब लोग खुश हैं, चाहे गरीबों की बात कर लें आप। आज गरीबों को देख लीजिए, हमारे बड़े साहब का देन है कि
कि वन बाय वन राशन जो आज पूरे देश में मिल रहा है, आज उनको उन्होंने 5 साल के लिए और ऐड कर दिया। तो आप देखिए गरीब तो मतलब व्यवस्था हो रही है ना, नहीं तो इन्होंने जो दूसरे पहले लोग सरकार में थे वो गरीबी को हटाना नहीं चाहते थे, गरीब को ही हटा रहे थे। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा था मतलब पहले के ऐसा ही हो रहा था, और वो गरीबी नहीं हटाया, सिर्फ गरीब को हटाने का काम किया। आज जब से नरेंद्र मोदी जी आज 10 साल से जब से सरकार में हैं, आप देख लीजिए पूरे देश में आज डंका के चोट पर काम हो रहा है, और उसका काम का प्राथमिकता सबको मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, सबको एक कटोरी से मिल रहा है। और उन्होंने कहा था, आपने नोटबंदी देख लीजिए, उन्होंने कहा था सबको एक प्लेटफॉर्म बोला दिया, ये सबके सामने है, ये कहने की जरूरत है, आप सबको मालूम है। दूसरा आज मान लीजिए स्वास्थ्य की बात हुआ, स्वास्थ्य को बेहतर किया, आज मान लीजिए शिक्षा की बात हुआ वो भी बेहतर किया, आज युवाओं की नौकरी की बात चल रही है उनको भी कहीं नहीं कह रहा है कि लग रहा है कि 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, इन्हीं जो है 10 सालों में ही काम हुआ है। देखिए 10 साल में ही काम हुआ है ये तो सच कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं किया है ये सच है। आज जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और तब से काम हो रहा है, विकास हो रहा है, चाहे वो आप NH की बात कर लें, चाहे रेल की बात कर लें, स्कूल की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, सब अच्छा बेहतर है, क्योंकि आज तक बेहतर व्यवस्था नहीं मिला था। आप दिल्ली में देखते थे क्या पोजिशन था, आज UP में चले जाएँ, आप हरियाणा में चले जाएँ, राजस्थान में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, हर स्टेट में अच्छा काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनको दिल से नमन करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हम सबको मिलना चाहिए और ऐसा ही काम होना चाहिए, और 2024 में फिर से पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और हम लोग 400 प्लस को लेकर चल रहे हैं, और यह हम लोग अपने अटल विश्वास है और इस जनता पर हमें विश्वास है कि हमारे काम को सलाम करके हमें वोट देंगे और हमें फिर से बैठाने का काम करेंगे। कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है, 100% सहमत है। किन मुद्दों को देख रहे हैं इस बार 2024 के चुनाव पे? देखिए 2024 का चुनाव बिल्कुल भिन्न चुनाव है। यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है उसी का प्रतिफल है कि 2024 में 400 पार सीटें आएगी ही आएगी। तो ठीक है, अगर बात की जाए तो धारा 370 CAA की बात की जाए और एक राम मंदिर भी सबसे बड़े मुद्दे बतौर देखा जा रहा है, तो यकीनन क्या यही मुद्दे इस बार भी आप लोगों के रहने वाले? देखिए ये इंडियन वेलफेयर का मुद्दा है। ठीक है, इससे रियल में भारतीयों का कल्याण हुआ है। तो ये मुद्दा तो जागृत है ही। हमें अब चुनाव में, मोदी जी को चुनाव में जाने के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है, पूरा पब्लिक उनके साथ है। अच्छा, तो मतलब अब उनको किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है, विपक्षी ऐसे ही रोना रो रहा है रोजगार महंगाई का। एक बड़ा एरा है उनका, एक बड़ा विजन है जो देश देख रहा है, लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो मुद्दे की क्या जरूरत है? जब लाभान्वित हो रहे हैं, देश बिल्कुल रामराज्य जैसा चल रहा है, तो फिर क्या इशू है? ठीक है, आपसे एक सवाल लूंगी मैं, ये बताइए जिस तरीके से आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, ज्वलन मुद्दों की भी मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आज के समय कोई मुद्दे है ही नहीं जो विपक्ष जिनको आड़ो हाथों ले, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे फ्री का अगर बात की जाए तो राशन फ्री को लेकर के विपक्ष एक सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैं इसमें दो बात करना चाहूँगा, जब आपने मुद्दों की बात कही तो राम मंदिर, CA और धारा 370 के अलावा देश में समय कितनी सारे वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, क्या उसको हम डेवलपमेंट में नहीं लेंगे? ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष फ्री राशन को बोल रहा है, अगर सरकार अपने फंड से गरीबों को, ज़रूरतमंद को फ्री राशन दे रही है तो वो गलत, सेम चीज़ अगर दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं या कोई दूसरे राज्य में फ्रीबीज बांट रहे हैं, ठीक है, मैं ना इनको फ्रीबीज बोलूँ ना उनको फ्रीबीज बोलूँ, जो सिंपल सी बात है कि सरकार अगर अपनी जनता के लिए करे तो ठीक है, हम करें तो गलत है और आप करो तो सही है, यानी राशन उसको फ्री भी आपने बोल दिया और आप जो अपने दिल्ली प्रदेश राज्य में कर रहे हैं क्या वो गलत है? और जब युवाओं की बात करी आपने तो युवाओं का एक सबसे सटीक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, ना कि इस वजह से कि मैं चिराग पासवान जी की पार्टी से बिलोंग करता हूँ, एफिलेटेड हूँ, बट आप ये देखिए कि NDA गठबंधन में कितने दिग्गज चेहरे हैं, पार्टियाँ भी, बड़े चेहरे भी, पुराने चेहरे भी, पर युवाओं की अगर बात करी जाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी और JP नड्डा जी ने
युवाओं को लेकर के जितना आदरणीय चिराग पासवान जी को फोकस पे दिया, उनको महत्वता दी, तो ये चीज़ साफ जाहिर है कि युवाओं को लेकर के हमारी मौजूदा प्रधानमंत्री और हमारी मौजूदा सरकार कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो देखिए लोगों की क्या कुछ राय है वो आपके समक्ष है, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर के किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर देखा जाए सबका साथ सबका विश्वास का नारा लेकर के जिस तरीके से NDA गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए वो लेकर के चल रही है, शायद कहीं ना कहीं जनता उनके साथ ही दिख रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था थी।